हेलो यूवर्स, आज हम बात करते हैं सेंटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं ना, और आज इनका जो कॉस्ट कितना है एंड यहाँ पर पूरा पेपर में डिटेल्स भी, इनका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना लेते हैं, इनका चार्ज क्या रहेगा, सर्विस का चार्ज। तो आज हम मिलवाते हैं रमेश भाई से, रविंद्र भाई से, जो कि बिदर से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो में आपको इनका क्या कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेंटरिंग के लिए कितना चार्ज लेते हैं इन्हों, और उसके साथ ही जो है, और इनका यहाँ पर वर्क चल रहा है साइट पर, तो साइट पर इनका वर्क चल रहा है किस तरह से इन्हों बनाया गया, बार बेंडिंग शेड्यूल जो भी है, डिज़ाइनिंग इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कैसा है, तो इंजीनियर उस तरह से बनाया गया है। एंड उसके साथ ही जो है इनका पर स्क्वायर फिट और स्लैब एरिया कितना है, एंड मोबाइल नंबर जो है मेरा 8095615113, डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, दोबारा बताऊंगा 8095615113 मेरा मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन। अगर इनका सर्विस चाहिए तो आप डेफिनेटली इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इनका सर्विस कहाँ कहाँ पर देखते हैं पूरा पूछ लेते हैं, लेट्स सी डिटेल, और बाद में इनका वर्क भी मैं दिखा दूँगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्क चल रहा है फिलहाल इनका, देखते हैं लाइट से। अपना नाम बताइए। रविंद्र सर। रविंद्र, हाँ रविंद्र। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, आप अपना सर्विस कहाँ से देखते हैं, बीदर से के अलावा कहाँ पर वर्क करते हैं आप? बीदर से अलावा इधर मरकल, जनवाड़ा, नौबाद। बीदर के अलावा कहाँ कहाँ सर्विस देते हैं आप? इधर मरकल, जनवाड़ा, इधर मनली, फिर इधर कमटाना लास्ट सर। और हैदराबाद वगैरह वहाँ पर भी आप करते हैं कैसा वर्क? नहीं वहाँ पर नहीं करते सर, वहाँ पर नहीं। और अपना क्या रेट लेते हैं, क्या हिसाब से? अभी बहुत सारे लोगों को क्या है स्क्वायर फिट और स्लैब में कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो उसकी वजह से स्लैब आप क्या रेट लेते हैं, स्लैब बताइए। अभी स्लैब तो 100 रुपीज़ ले रहे सर, और स्क्वायर फिट पर स्क्वायर फिट 23 रुपीज़ ले रहे हैं। एंड उसके अंदर क्या क्या है, ग्राउंड फ्लोर में फुटिंग, कॉलम, बीम क्या क्या करते हैं वो भी बताइए, पीसी से आया स्लैब एरिया के अंदर क्या आया, प्लिंथ बीम आता है या नहीं वो भी बताइए। अभी स्लैब एरिया में प्लिंथ बीम नहीं आता, एक सेफ्टी टैंक नहीं आता, बाकी के सब के अलावा सब कुछ आता है। ओके, अब कई लोग क्या करते हैं सेपरेट टैंक जो है आरसीसी का बनाना चाहते हैं, और जो कुआ रहता है ना बॉडी वो भी आरसीसी का बनाते हैं, क्या वो स्लैब के एरिया के अंदर आ जाएगा? नहीं वो नहीं आएगा। अच्छा, खाली बने तो स्लैब एक डाल के देते, नहीं तो बाकी का रिटर्निंग वाल उसका अलग रेट होता। और रिटर्निंग वाल वो सब स्लैब के अंदर नहीं नहीं आता। ओके, और स्क्वायर फिट क्या रेट लेते हैं आप? वही पर स्क्वायर फिट 23 रुपीज़। स्लैब एरिया में जैसे आप बताए प्लिंथ बीम नहीं आता है, तो उसका आप क्या कॉस्ट लेते हैं, वो स्क्वायर फीट लेते हैं या फिर कुछ गुत्ता, आप 30-40 प्लॉट है समझ लीजिए? नहीं उसका गुत्ता लेते सर, गुत्ता नहीं तो पर स्क्वायर फीट थोड़ा से रेट ज़्यादा 25 रुपीज़ ऐसा करके ले लेते। अच्छा, ओके। और स्लैब एरिया में जैसे आप फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर हो जाता है ना, तो वहाँ पर आप कितना कॉस्ट इंक्रीज करते हैं? अभी फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर तक 100 रुपीज़ ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद में 110 रुपीज़ लेते हैं वन फ्लोर में, एक स्टाफ को 10-10 रुपीज़ से ज़्यादा होता है। एंड स्क्वायर फिट के बारे में थोड़ा बताइए, कॉलम है, कॉलम और बीम स्लैब वो एक को कितना लेते हैं, पीसीसी बेड को एक को आप कितना लेते हैं? वही सीसी बेड को वही 12 रुपीज़ लेते हैं, फिर बेड को तो फुटिंग को तो वही पर स्क्वायर फिट लेते हो। अच्छा, पर स्क्वायर फिट। हाँ, अब कॉलम हमें 10 फीट तक रेज करना है। हाँ, तो एक फीट को आप कितना ये करते हैं? और एक फीट को जो अभी 1.5x15x9 रहे तो उसका 4 फीट होता सर एक फीट को। अच्छा, ओके। 10 फीट रहे तो 40 फीट होता। और कितना साल से आपका इस एक्सपीरियंस है फील्ड में, कहाँ कहाँ पर आप वर्क करें? नहीं हम करें सर हैदराबाद फर्स्ट 2009 तक, उसके बाद ओमन गए उधर 5 साल करे सर। अच्छा, दूसरे देश सऊदी अरब। हाँ, सऊदी अरब में ओमन। तो देखिए दोस्तों, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, अगर आपको इनका सर्विस चाहिए बिदर सराउंडिंग में इनका जो है अपना सर्विस दे सकते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो भी आप इन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इनका वर्क मैं अभी दिखा दूंगा, लेट्स देखते हैं। ओके, थैंक यू रविंद्र भाई जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का वर्क किया जा रहा है,
हाँ मैं शुरू से दिखाऊंगा आपको। जैसा यहाँ पर है सीढ़ी से वर्क चल रहा है, बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरह इस तरह का। ये स्टेयरकेस इसको अभी कवर ब्लॉक्स दिया जाता है 20 mm का कवरिंग। फिर नेक्स्ट ये कैंटिलीवर बीम, तो उसकी सॉरी ओवर हैंगिंग बीम आप कह सकते हैं, फिर ओवर हैंगिंग बीम। एंड उसके लिए जो है टॉप में एक्स्ट्रा बार लिया गया, और जितना आगे आगे गया है ना उतना ही मैक्सिमम जो है उसके पीछे। अगर ये मान लीजिए यहाँ से एक 6 फीट 7 फीट चले जा रहा है, तो ये जो है आपका रॉड्स मैक्सिमम जो है ऑलमोस्ट उसको अटैच किया गया वो वाले कॉलम को। एंड यहाँ पर ये हिडन बीम कह सकते हैं इसे, जो बीम जो है आपके स्लैब के अंदर छुपा रहता है। एंड अगर आप स्क्वायर फीट के हिसाब से रहा तो इसका एक एक्स्ट्रा रहेगा। ये रनिंग फीट में आता है, कुछ 50 रुपये रनिंग फीट के आ जाएगा ये। और इनका सर्विस चाहिए तो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे इस मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, 8095615113। बिदर से बिलोंग है तो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकता है। ओके और एक चीज़ एडवांटेज यही है कि इन्हों खुद वर्क करते हैं। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि उन्हों जस्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर उन्हों वर्क नहीं करते, किसी और को लगाते हैं, बट इनका इनका यही है कि इन्हों खुद वर्क करते हैं, तो वो भी एक एडवांटेज ही रहेगा। एंड काफ़ी बढ़िया वर्क है। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल एंड, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड आपको इनका रेट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा डिटेल लिख लूँगा। देखते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक पर। थैंक यू।